नागपुर महानगर पालिका के बैंक में आगामी चुनाव 2022-2027 के संदर्भ में कर्मचारी शिक्षक आघाड़ी पैनल द्वारा समविचारी सभा ली गई। इस सभा में पैनल को मतदान करके विजयी बनाने की अपील भी नागरिकों से की गई। नागपुर में पैनल द्वारा समविचारी सभा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में शिक्षक आमदार अभिजीत वंजारी, शिवसेना के शहर अध्यक्ष दीपक कापसे, साथ ही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाड़े प्रमुखता से उपस्थित थे। कर्मचारी शिक्षक आघाड़ी पैनल इस आगामी चुनाव में 21 ही जगह पर अपने उम्मीदवार खड़े रहने की बात सुभाष घाटे ने की। साथ ही उन्होंने बताया कि महानगर पालिका के बैंक में अनेक वर्षों से भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए इस आगामी चुनाव में कर्मचारी शिक्षक आघाड़ी पैनल को मतदान करके विजय बनाए। आणि त्या बँकेमध्ये जेव्हा आम्ही गेलो, राजेश गवरे सोबत होते की बाबा मला थकबाकीदार म्हणून का दाखवणार, माझ्याकडे तर 5 पैशाचंही लोन बँकेचं नाही आहे आणि मी कोणाचा जमानतदार नाही आहे। अरे बँकेनी माझा सत्कार घ्यायला पाहिजे। मी 106 कर्मचाऱ्याकडे 2-2.5 कोटी रुपये तुमच्या वसुली करून दिली, आज ती बँक सुभाष घाटेला थकबाकीदार दाखवत आहे। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बुकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।